के जुलेसर से अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए जा रहे 21 क्विंटल के घंटे का पूजन किया जा रहा है और अष्ट धातु से निर्मित घंटे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस घंटे की खासियत यह है कि घंटे की ध्वनि ओम से गुंजायमान होगी, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलेसर पहुंचकर श्री राम सेवक पुरम में लगने वाले घंटों के दर्शन किए हैं। तो एटा से ये तस्वीरें, यहाँ पर राम दरबार के लिए 2100 किलो का घंटा तैयार किया गया है, जिसके दर्शन के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 2400 किलो का घंटा है और ये विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा घंटा है और ये हम सभी जलेसर वासियों का, एटा वासियों का और संपूर्ण ब्रज प्रांत का ये सौभाग्य है। अयोध्या में ब्रज की यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी का घंटा वहां पर बजेगा, तो ये इस अपना तो मित्तल परिवार है, इसका भी बहुत बड़ा इसके में धन्यवाद। घंटा बनकर तैयार हो चुका है और ये हमारे लिए जलेसर नहीं जिले के नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि हमारे जलेसर जैसे छोटे कस्बे से हमारी मिट्टी की खासियत, जिस मिट्टी की खुशबू की वजह से ये घंटा जाना जाता है, पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में धमक है इस मिट्टी की, जिसके कारण इस घंटे की गूंज सब जगह सुनाई देती है। ये घंटा वहाँ अयोध्या धाम की पावन धरती पे लगने जा रहा है। भैया, हम तो सौभाग्यशाली हैं पूर्व क्षेत्र की और पूरे एटा के दिव्य भव्य मंदिर में हमारी मिट्टी से अष्ट धातु जो घंटा बनने जा रहा है, बन के जो तैयार हो चुकी है और जो अयोध्या के लिए प्रस्थान हो रहा है, तो गौरवशाली है और पूरा जनपद एटा पूरा क्षेत्र एक खुशी के मारे इतना गुस्सा है। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे पूर्वजों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, इसका फल हमें आज मिलने जा रहा है कि हमारे हमारी मिट्टी घंटा जी अयोध्या धाम में लटकने जा रहा है और ये पूरे जनपद के लिए बड़ा सौभाग्य हर्ष का विषय है। ये जो घंटा हमारे यहाँ तैयार हुआ है जलेसर मिट्टी में, ये इसका वजन 2400 किलो है और कल भव्यतम शुरुआत के साथ सुबह 9 बजे जलेसर के बाद जलेसर मेन बाजार होते हुए उसके बाद आवागढ़, फिर निधौली, फिर एटा, फिर जयथा, अलीगंज, फरुखाबाद कैम्प होते हुए लखनऊ पहुंचेगा। लखनऊ रात को स्टे करने के बाद सुबह माननीय डिप्टी सीएम समय का समय मिल गया है, सुबह उनके हाथों सारी झंडी द्वार दिखाने के बाद ये झंडा पहुंचेगा।